हाय गाइस, वेलकम बैक टू वी अनबॉक्स। आई एम योर होस्ट नैन अब्बास और आज आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करने लगे हैं रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। किया लगी मोटर्स की तरफ से किया पिकांटो 2019 मॉडल की प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई थी 14th of September 2019 को। ये गाड़ी आपको रिसीव हो जाएगी 3rd week of October 2019 में। इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द अपकमिंग वीडियो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो गाइस, किया पिकांटो की सेकंड जनरेशन शेप किया लकी मोटर्स की तरफ से इंट्रोड्यूस कर दी गई है पाकिस्तानी मार्केट में। और ये गाड़ी जो है 1000cc इंजन के साथ लॉन्च की गई है विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस। मैनुअल ट्रांसमिशन 1000cc के अंदर आपको 949,000 के अंदर प्री बुकिंग में नज़र आएगी, यानी ऑलमोस्ट 9,50,000 रुपीज़ में। और पियर पिकांटो 1000cc ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको तकरीबन 10 लाख की रेंज में प्री बुकिंग में नज़र आएगी। सिमिलरली मैनुअल ट्रांसमिशन की एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है वो 18,99,000 है और ऑटोमेटिक वेरिएंट की जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो 19,99,000 है। ये गाड़ी डायरेक्टली कम्पीट करती है सुजुकी कल्टस के साथ और टोयोटा विट्स के साथ 1000cc की जो सी सेगमेंट हैचबैक कार्स हैं उनके साथ डायरेक्टली। 4 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी किया लकी की तरफ से दी जा रही है। और इसके अंदर एट लॉन्च 4 कलर्स अवेलेबल हैं, मर्क्यूरी ब्लू, स्पार्कलिंग सिल्वर, मिल्की बेज और क्लियर वाइट। कार के अंदर आपको 1 लीटर MPI इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा जिसकी डिस्प्लेसमेंट 998cc है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही आता है। यूरो 2 की एमिशंस भी इसके साथ रजिस्टर्ड हैं इस इंजन के साथ और आपको 69 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस कर देता है एट 62,000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 94 Nm है एट 3,500 RPM। कार के ओवरऑल डायमेंशंस की बात कर ली जाए तो जो हैचबैक की लेंथ है वो 3,595 mm में दी गई है। गाड़ी की विड्थ जो है वो 1595 mm में दी गई है और हाइट जो है वो 1490 mm में दी गई है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है 152 mm की है, विच इज़ गुड इनफ फॉर पाकिस्तान रोड्स। और गाड़ी की व्हील बेस जो है वो 2385 mm में दी गई है। मिनिमम टर्निंग रेडियस फॉर द कार इज़ 4.8 meters और ग्रॉस वेट जो है गाड़ी का वो 1400 kgs में दिया गया है। कार के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल या इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। बॉडी कलर्ड टोटल सीटिंग कैपेसिटी 5 पीपल की है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 35 लीटर्स की दी गई है और लगेज स्पेस जो है वो 200 लीटर्स पे दी गई है। कार के अंदर 13 इंच की डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं फ्रंट पे और 7 इंच की ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं एट द रियर। फ्रंट पे आपको मैकफेरसन स्ट्रट सस्पेंशन नज़र आ जाएंगे विद स्टेबलाइजर बार्स और रियर पे सस्पेंशन जो है वो टॉर्शन बीम एक्सल दिए गए हैं। इसके अंदर आपको शॉक एब्जॉर्बर गैस वाले नज़र आ जाएंगे और कॉयल ओवर स्प्रिंग्स भी नज़र आ जाएंगे। दैट मीन्स कि कार की ओवरऑल जो ड्राइविंग डायनामिक्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं और पाकिस्तानी रोड्स पर जो बम्प्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेगी। एक्सटीरियर के लिहाज से बात कर लीजिए गाइस, तो यहाँ पे आपको टाइगर नोज ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि एक सिग्नेचर ट्रेंड है ऑफ किया। और क्रोम लाइनिंग भी आपको देखने को मिल रही है ब्लैक आउट मैश ग्रिल के साथ और इसके साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स भी आपको देखने को मिल रही हैं। 2 स्पीड कंट्रोल वाइपर्स भी आपको दिए गए हैं इसमें और एरोडायनामिक्स जो हैं गाड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड हैं बिकॉज यहाँ पर कर्वेशियस लाइन्स हैं और गाड़ी की जो ओवरऑल डायमेंशन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट हैं। स्टैंडर्ड टायर साइज़ जो है वो 165/60 R14 का है और स्टील व्हील्स यहाँ पे दिए गए हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है फॉर कंज्यूमर्स के, यहाँ पे आप ऑप्शन कर सकते हैं फॉर अलॉय रिम्स इंस्टेड ऑफ स्टील रिम्स। ऑल्दो ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा ओवर द प्राइस टैग। इंटीरियर के लिहाज से बात कर लीजिए गाइस, तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सॉकेट प्रोवाइड की गई है। आपको USB चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं। पॉली यूरिथेन कवर्ड स्टीयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड किया गया है EPS के साथ और टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसमें एक वाइट लाइट्स और रेड लाइट्स का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है। आपको एम्बिएंट लाइटिंग्स दी गई हैं थ्रू आउट द इंटीरियर और मैनुअल ट्रांसमिशन शिफ्ट इंडिकेटर भी प्रोवाइड किया गया है। स्टोरेज कप्स के लिए कप होल्डर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं फ्रंट पे और डिफरेंट कैबिनेट्स और स्टोरेज स्पेसेस जो हैं आपको प्रोवाइड किए गए हैं थ्रू आउट द कैबिन। 9 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो ऑप्शनल रखी गई है किया लकी मोटर्स की तरफ से। सो प्रीमियम देने पे आपको 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा विद USB ऑक्सिलरी एंड ब्लूटूथ सपोर्ट। सीट्स आपको प्रीमियम ब्लैक फैब्रिक में प्रोवाइड की गई है। मैनुअल हेड एडजस्टर के साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट सपोर्ट भी दी गई है। 60-40 स्प्लिट रेशो आपको रियर फोल्डिंग सीट्स भी नज़र आ जाएंगी इस गाड़ी के अंदर। कीलेस एंट्री सिस्टम भी है और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल फॉर बोथ एयर कंडीशनर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं गाइस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको 2 एयरबैग्स प्रोवाइड किए गए हैं फ्रंट ऑक्यूपेंट्स के लिए। इमोबिलाइजर की, सेंट्रल डोर लॉकिंग सिस्टम, ABS,
ट्रैक्शन कंट्रोल, बर्गलर अलार्म, सिक्योरिटी सिस्टम एंड आइज़ो चाइल्ड फिक्स एंकर सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की गई है सीट्स के लिए। सो गाइज, दिस इज इट। होपफुली आपको ये गाड़ी पसंद आई होगी। पर्सनली लाइक दिस कार वेरी मच और किया की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि ये गाड़ी आपको पसंद आई है कि नहीं। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, दिस इज योर होस्ट हसनैन अब्बास साइनिंग आउट।